हेलो एवरीवन, आज है 14 नवंबर और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा शेयर है जिसकी प्राइस 80 रुपए के आसपास है और डेफिनेटली वो आपको आने वाले वक्त में बहुत ही बढ़िया और शानदार रिटर्न देने का दमखम रखता है, क्योंकि उसके जो अभी जो नतीजे आए हैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आई है, वो भी काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, जेएम फाइनेंशियल नाम है, ठीक है। तो फिलहाल ये 80 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको इसमें ये आपको अच्छा रिटर्न देगा और कितने तक रिटर्न दे सकता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर बात की जाए तो उसका प्रीवियस क्लोज 78.45 रुपीज़ के आसपास था। जब ये ओपन ही हुआ तब काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ तकरीबन 80.50 रुपीज़ पे ओपन हुआ। दिन का हाई इसने 82.40 बनाया और दिन का लो इसने बनाया 79.20 रुपीज़। और अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में जो नतीजे आए थे उसके, आप देखेंगे तकरीबन 5.5% के आसपास का ग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है। और अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में 0% है, मतलब एक महीने पहले जितने रुपए पे था अभी भी उतने पर ही ट्रेड कर रहा है। आप चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, एक बड़ी सी गिरावट आई है, 64 रुपीज़ तक डाउन हुआ, उसके बाद कॉन्स्टेंटली इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में ये 46% से भी ज़्यादा डाउन था। 46% इसने 64.80 रुपीज़ का लो बनाया है पिछले एक साल में और 168 रुपीज़ का हाई बनाया है। 3 साल की अगर बात करें तो 3 साल में 95% ये अप रहा है, 95% का इसने ग्रोथ देखने को मिला है। 34 रुपीज़ का इसने लो बनाया है पिछले 3 साल में और 184 रुपीज़ का हाई। और अगर मैं 10 साल की यहाँ पे बात करूँ तो 10 साल में जो डेटा निकल के आ रहा है उसमें 193% का ग्रोथ देखने को मिला है। 11 रुपये का इसने लो बनाया है और 186 रुपीज़ का हाई। और इसका अगर मार्केट कैप देखें तो मिड कैप कंपनी है, तकरीबन 6,700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। एनएससी में आप देखेंगे तो वॉल्यूम ट्रेड 15 लाख के आसपास है, ठीक है। तो जनरली जो अच्छी कंपनियां होती हैं, ठीक है, वो बड़े, जिनका नाम काफ़ी बड़ा उनका नाम नहीं होता, लेकिन जीएम फाइनेंस थोड़ा सा बड़ा नाम है लेकिन उतना नोन काफ़ी लोगों के लिए नहीं होगा जितना नोन अभी हाल फिलहाल में जो DHFL चल रहा है, PC ज्वेलर्स चल रहा है, अदानी चल रहा है, अंबानी चल रहा है, तो उतना नोन नाम जेएम फाइनेंशियल अभी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये शेयर छुपा हुआ शेयर, आप इसको कह सकते हैं, जो स्लो एंड स्लेडी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं पहले यू कह मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके में खरीदारी आपको करनी चाहिए, वो पहला रीजन ये है कि जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया, ठीक है, सितंबर का जो रिजल्ट आया वो काफी बढ़िया आया है। अगर नेट सेल की बात करें तो सितंबर 2017 में जो 750 करोड़ का नेट सेल था वो जून 2018 में 827 करोड़ का रहा, और सितंबर 2018 में 960 करोड़, मतलब कॉन्स्टेंटली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 16% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो जो 580 करोड़ सितंबर में था 2017 में, जून 2018 में वो 630 करोड़ के आसपास रहा और सितंबर 2018 में 750 करोड़, मतलब तकरीबन तकरीबन 20% का ग्रोथ यहाँ पे भी है। कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट में भी तकरीबन 15% का ग्रोथ है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन में भी 2.25% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो तकरीबन 62% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 17.66% FIIs के पास है, म्यूचुअल फंड के पास भी 4.65% की हिस्सेदारी है, इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई हिस्सेदारी नहीं है, नॉन इंश्योरेंस इन्वेस्टर के पास 15.65% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। और एक अनदर चीज़ ये है कि प्रमोटर्स के पास जो 62% की हिस्सेदारी है उसमें से एक भी शेयर गिर भी नहीं है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग नन। 8 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया, 134 FIIs ने अपना पैसा लगाया है और डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 110% का डिविडेंड पे कर रही है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपये 10 पैसे मिल रहे हैं। तो अनदर काफी बढ़िया चीज है ये। और अगर मैं इसका मनी कंट्रोल में अगर मैं जाऊं तो 78% लोग इसमें बाइंग के लिए बोल रहे हैं, 22% लोग इसमें सेलिंग के लिए बोल रहे हैं। और
पी रेशियो इसका 10.13 है, जो इंडस्ट्री पी से बहुत ही कम है, ठीक है। 33.67 इंडस्ट्री पी है, पी रेशियो 10 है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बुक वैल्यू है 68.98 और प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.16। ईपीएस इसका 7.89 का दिखा रहा है। डिलीवरीज आप देखेंगे तकरीबन 30% की डिलीवरीज है। और अगर मैं इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट पे जाऊं तो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, तो कंपनी पे टोटल कर्जा 1 करोड़ का भी इस पे कर्जा नहीं है, सिर्फ 54 लाख का कर्जा है, 1 करोड़ का भी कर्जा नहीं है। उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास असेट्स देखिए तकरीबन 2,400 करोड़ के कंपनी के पास असेट्स पड़े हुए हैं। और अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में मैं देखूँ तो IDFC मल्टी कैप के पास 1 करोड़ 18 लाख शेयर, रिलायंस के पास 60 लाख शेयर, सुंदरम मिड कैप फंड के पास 47 लाख के आसपास फंड है, टाटा इक्विटी के पास भी 41 लाख के आसपास शेयर इनके पास है। तो ओवरऑल JM फाइनेंशियल में बाइंग आखिर क्यों बनती है? पहला रीजन ये कि पिछले काफी टाइम से, अगर यहाँ से आप देखें तो 26 तारीख से अभी तक, मतलब पिछले आप कह सकते हो कि 20 दिनों में इसमें कॉन्स्टेंटली ग्रोथ देखने को मिला है। दूसरी चीज, कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, कंपनी के जो नेट सेल्स है वो बढ़िया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया है, कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के ऊपर कर्जा ना के बराबर है, 1 करोड़ का भी कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में JM फाइनेंशियल की प्राइस आपको और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिए, और JM फाइनेंशियल के बारे में आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।